मुन्ना, ये ब्लैक लाइफ का क्या चक्कर है? अरे मिली, तू उसकी लाइफ की स्टोरी सुनेगी ना तो हिल जाएगी। ये पक्किया जब 5 साल का था ना, तभी जो उसकी माँ टपक गई। उसका बाप अक्खा दिन दारू के नशे में फुलटू रहता था, वो भी साला लुढ़क गया। अब उसके जीने का एक ही मकसद था, उसकी अपनी बहन की शादी। उसी की शादी कराने वास्ते वो जीरेला था, पर उसका बैड लक ही खराब था। लड़के वालों ने इतना दहेज मांगा, इतना ब्लैक मनी मांगा कि तब से लेके अर्जुन तक वो 10 का 30, 10 का 30 इंच कर रहा है। 10 का 30, 10 का 30, 10 का 30। लेकिन पकिया को देखकर तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है। आदमी की असलियत उसके चेहरे पर नहीं लिखी रहती। चल। चले खजूर टॉर्च देगा। क्या चालू हो गया क्या पिक्चर? अरे ये थिएटर है कि कोयले का भट्टी? ये फैन चालू कर रहे हैं, फैन चालू कर। अरे भाई साहब जरा पिक्चर देखने दो ना। हाँ पिक्चर देखने दो। लगता है चाचा पलीदा भाई चाची के साथ। क्या आंटी मजा रहा है क्या? मुन्ना चुपचाप बैठो ना, पिक्चर भी नहीं देखने देते। क्या शॉट है आज, इसलिए रेडीमेड है। मैं तुम्हारी नहीं उसकी बात कर रही हूँ। अरे वो तो भाड़े की होएगी, अपनी तो खून पसीने की कमाई की है। क्या बोलते हैं रे? हाँ सही है। हाँ पैर नीचे लेना। अबे तू पैर देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, चला के देख। अरे अपुन भी टिकट खरीद लेला है। टिकट लिया तो क्या थिएटर तेरे बाप का हो गया क्या? नीचे ले ले। लड़की साथ में तो हीरो बनता है। हीरो? अबे तेरी तो तेरे दिखाता हूँ मैं। उठ बे। क्या बोला तू? हाथ मत लगा। हाथ मत लगा। हाथ मत लगा। देखता हूँ मैं तेरे को। साला देखना क्या बोला कभी? सॉरी सॉरी।